कृपान करूंगा कोई खंडे तिखे कोई कृपान करूंगा तैनू दिल्ली है कठ परेशान करूंगा तेरा फायदे नालो ज्यादा नुकसान करूंगा पर फसलों के फैसले किसान करूंगा फसलों के फैसले नाल रहो बाबू फसलों के फैसले फसलों के फैसले कत्तियां देख चू करोड़ होंगे तेरी धाड़ू दे जो मणके मरोड़ होंगे अस्सी वरे दियां बाबियां तो लैके थापड़ा ओ लैके थापड़ा अस्सी वरे दियां बाबियां तो लैके थापड़ा तैनू जग दा ऐलान नौजवान करूंगा तेरा फायदे नालो ज्यादा नुकसान करूंगा पर फसलां दे फैसले किसान करूंगा आ देखे फसलां दे फैसले असी हक दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे ओए हक नाल लड़ांगे असी हक दी लड़ाई बाबा तुसी बैजो प्लीज बैजो मेरे भरा आपा पंजाबी है भावे भोगते हैं भावे व्याह ते हक चक पाउणा आता इन्हां दी असी हक दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे असी जितांगे ते देग ते फतेह पड़ांगे सानू माण वरी राय इतिहास ते उत्ते इतिहास दे उत्ते सानू मान वरी राय इतिहास दे उत्ते बाकी दुद्ध पानी जंग दा मैदान करूंगा तेरा फायदे नालो ज्यादा नुकसान करूंगा पर फसलां दे फैसले मैं क्या फसलां दे फैसले फैसले किसान करूंगा हो 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 बहुत बहुत आदर सत्कार थोड़ा सारे का जिन्हें भी साढ़े प्यो दादे बैठे हो इतों का मीडिया साढ़े पुलिस ऑफिसर सवाल साढ़े पॉलिटिक्स नाल रिलेटेड जिन्हें भी भरा साढ़े बैठे है सारे अगर सिर झुकता है तुहाडे अंदर वास करती उस परम शक्ति नूं मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कबूल करो सोहना हल्ला वज रहा सारे मुल्क भर च अपने सूबे च भी वज रहा बाकी स्पीकर ने बहुत सोहने तरीके वड्डे भाई होर ने उदयके साहब ने होर साढ़े बापू जी बोले सी पहरेदार तो सारे ने गल समझाती है होर भी जिन्ने इंटलैक्ट बोल रहे हैं गल मैं लगता इतने तो वर्ग ही है इतों हम जो इतों तक आ जाए असर इतों वाली हों इतों वाली तो ठीक है कि एक ज्ञानी ज्ञान कट्ठा कर लेंद जिमें कहते ना गा भी है सुनी है पर गल अगली है कि मन रखिए कि इतने जो आ जाए कि वाकई पंजाब ये सूबा ये शहीदों का सूबा ये योध्या का ये सूरबीर का सूबा जेडे हालातों चो लंघ रहा है इतने हम अंदरों अग जी लगनी जरूरी है बस पर मेरे को बाले शुगर पोटर दी हैं मेरे को सीधी जी हैं इस वे ठीक है एक हल्ला शेरी जी है कि टफ होने लग गए है नौजवान भी बाहर आ गए हैं पर जे आठों के जो उस लैवल पर जाके साथे अंदर एक दर्द है ये चिंतन घर च भी चुनिया तो हो रहा तो हजे वो गल नहीं है क्योंकि एक बड़े नलायक जो दौर चो लंघ रही हैं पंजाब वाले मैनू विचे रखियो मैं इतने कोई उपदेश झाड़ नहीं है कि मैं कोई संत बोल रहा नहीं एक गवैया है मेरे च लखां कमियां है मैं भी लगे हुआ अपन साधन वास्ते हजे असी वो लोग हैं कोई साधु संत नूं पुछिए ना कि तू आया कित्थों है इत्थे की करना है ते जाना कित्थे है
ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਓ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜੱਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕਮਰ ਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੰਮਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੜਕੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਨ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਐਡਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਧਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਰਾਜੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਦੇ ਦੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਰਸ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਐਤਕੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਧੌਣ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪੈਂਟਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਟੀਆਂ ਚਿਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ 15-15-20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਯਾਰ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 4 ਤੋਂ 40 ਬਣਾਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਜੋਗੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਲੋ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ 4 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਤਰ ਖਪੋ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਓ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਜੇ 5 ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਜੜਾ ਕਰਾ ਟਿੱਚਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਰੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ
पर एट प्रेजेंट असि कितने जे खड़े हैं, फरोड़ के तो देखो बाबे असि कितने जे खड़े हैं। सो इस करके आपका सैल्फ एनालिसिस जरूर करो, पता करो आप कितने जे खड़े हैं। गवाइए 22 साल रियाज किया मैं, 22 साल 35 साल हो गया, 22 साल रियाज करने तो बाद हुण महाराज ने माड़ी मोटी आवाज कढ़न जोगे किए हैं 22 साल बाद। तो तुसी कितना समझ लोगे कि महीना धरने च बैठन नाल पंजाब नूं असीं फिर खुशहाल पंजाब जी नूं सोने की चिड़ी कहिंदे सी, इदां कर लांगे। जिम्मेवार है पंजाब की नौजवानी, सब तो वड्डा लांबा है नौजवानी नूं। आपां जे हुण बंदे ना बणे विचे मैनूं पालिओ, मैं भी हजे नौजवान ही है। वो वक्री गल है कि कौने नौजवान है, पूरा नौजवान नहीं है, है? पर जिम्मेवार आपां सारे हैं। हुण जे आपां पंजाब नूं ना पढ़िया, ना आपदियां कबीलदारियां नूं समझिया, ना आपदे करदारां नूं समझिया, जरनैल कित्थे है? कोई एक बंदा खड़ के दसो पंजाब दा जरनैल कित्थे है? किन्ना चिर कहांगे कि संतां ने ऐ कीता, ओह भिंडर वाले जरनैल ने ऐ कीता, ऐ कीता, हुण कित्थे है जरनैल बाबा? लियाउणा पैणा है, और वो कितों बाहर नहीं आना, वो इतों ही लिया पैना। मैं तो कहना भरावा अरदास करना है कि आवे वो बाबा, वो जरनैल साढ़े चावे करना पैना है। कले फोके जकारिया ना नारिया ना गल नहीं बननी, अंदर वो आके लेके आओ। जिन्हें जो कि असी है सानू दसो तो मन तो जिथे असी खड़ सकते हैं असी नाल खड़े हैं। आ गाँव वाले भरा सारे फिरते उदे दे, आ लखे भाई भी सब फिरते हैं, किसी से आसान नहीं कर रहे, असी किसी से भी आसान नहीं कर रहे। ये साड़ी मिट्टी है, असी इस मिट्टी के पुत हैं। पर यह है कि 0 to 100 तक जाने लई मेहनत करनी पैनी है भराओ, कलियां गल्लां नाल कुछ नहीं होना। फसलों के फैसले किसान इदा किदा करूंगा, किड्डी गरीबी वाली गल है यार, है कि मैदानों च खते है टेबल ते जाके यार असी रोज तड़के पढ़ते हैं। घड़ी है सुरत मत मन ते बुद्ध रोज पढ़ते असी तड़के, असी एक करन वाले सी, सानू टेबल ते जाके गल नहीं आउंदी। सो मेरे वीर भरा असी माण करते हैं तुहाडे सारयां ते, सत्कार करते हैं तुहाडा। आओ मेरे वीर बन के हुण सारे घरों भी निकलो ते निकल के इन्हां धरनां दे विच आ के स्पीकर भी बनो और पढ़ाई भी करिए आपां सारे रल रल के। मेरे नाल परसनली तुहाडे चों बहुतां दा कोई ना कोई कोई रोस हो सकदा है, क्योंकि कोई भी बंदा जो महाराज को मशहूर करता तो वह क्रिटिसाइज भी होता, उन्होंने अप्रीशिएट भी करते लोग, तो दोनों मेरे नाल भी चलते होंगे। पर इस वेले एक पंजाब का पुत होने के नाते, किसान का पुत होने के नाते, एक जिम्मेवार इंसान होने के नाते, मैं सारे नौजवानों हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि हुण जे मित्रों कलियां वीडियो बना के फेसबुक से पाउण जोगे रह गए ना, अज्ज तों बाद फिर मैं हर एक स्टेज पर बोलता हूँ कि गीत का जिहड़ा आखिरी अंतरा होंदा ना, आखिरी अंतरा गीत का, उहदे च गीतकार का नाम होंदा है, उस अंतरे तो बाद गीत मुक जांदा है। हुण पंजाब जिहड़ी स्टेज पर खड़ा ना, मैनू पंजाब गीत दे उस आखिरी अंतरे वर्गा लगता है। इत्थे जे असी साडे बजुर्गां नाल ना खड़े, साडे अदीबां दे नाल ना खड़े, राजनीति नूं ना संवारिया, तां फिर असी पछतावांगे। किन्ने एक सज्जनों जिहड़े 12-12, 15-15 लाख ला के बाहरले मुल्कां नूं तुर जाऊंगे। एक भरा इत्थे बोलदा सी जिहड़ा बाहर आया सी सारी तों, इत्थे आपां इह लांबा नहीं दे सकते कि असी पिट दिखा के गए, नहीं बाबा, इत्थे भी याद कर, जहां दाणे तहां खाणे किरत तके दे, उत्थे भी जिहड़े भेजे है उह आप नहीं गए बाबा, उन्हां दी किरत महाराज ने उत्थे लिखी है। पर रौला इह है कि उस तों पहली स्टेटमेंट इह है कि सरकमस्टेंसिस बनदे है। आए तो कह दिए कि आ बिल महाराज ने भेजे, मैं मानता है कि इस बिल नूं वो सच्चे पातशाह ने भेजे, कानून भी उसने बनाया है, हुण अगे रिजल्ट जो देना है वह भी उन्हें देना है। पर कि असी घरे बह जाइए? इहदे च जरिया भी तो उन्हें सानू ही बनाउणा है, सानू तां ही सड़कां ते कढ के लियाया ना। वो जे कढ के लियाया तो फिर बाबा पूरे होकर काम करिए, अर्ध विचाले जिहा काम छड्डिए भी कोई चार गाउण वाले आ गए जां चार होर भरा आ गए तो उन्होंने फोटोबंदियां कराइयां तो चलो जी फीलिंग ऑसम विद कमर करे, उस चीज़ चो कुछ नहीं निकलना। सो बेनती करूँगा, हौसला भरावा हौसला,
हंसते तो रहो, खुश रहो, पर जिम्मेवारियां जरूर सांभो। एक गीत होर गा के बस फिर मैं चलना। बहुत बहुत आदर और सत्कार है तुहाडा सारिआं दा। अखां खोल पंजाब सिंह लाले बापू, तुसीं आ रहे हो। साडी जवानी इन्हां वर्गी होनी चाहीदी है। मेरे वर्गा कोई भावें ढिली जी आवाज भी बोल जांदा, पर मैं उत्थे हरफड़ा बैठा गल्लां करदा, बापू वखाउंदा चौथे कल तों फिर चक लैंदा। क्या जोश है यार, मन के रखदा समय नूं। ये तबीयत साड़ी पंजाबियों की तबीयत है। अजकल री री गी गी, घर नहीं पलस्तर होया जी, सागवान की लकड़ नहीं लगी जी। हाँ जी, उन्होंने फार्चूनर खड़ी है जी, साढ़े स्विफ्ट है जी, लोग की कहे जी है। मेरे भरा वो मास्टर है, मेरा भरा सरकारी जी, मैं 5 किलों का मालक है जी। उन्हें कुड़ी गई सी जी, 25 लाख लाया सी जी, हुण जे मैं 30 ना लाया लोग की कहे जी है। उन्हें वधिया कोठी पाली जी, हुण जे मैं 3 मंजिली ना ठोकी लोग की कहे जी। ओदा मुंडा कॉन्वेंट च पढ़ता जी, मेरे वाला सरकारी च है। हुण जे मैं वो पट गई पेंट वाला नाम तो वो एडा फोन ना लेके तुरया, आ ना लेके तुरया, लोग की कहे जी। इतने फसे पे, इतने फसे पे हैं। बड़े सज्जन मैनू कहिंदे आ यार तेरी सादगी जी देख के बहुत वधिया लगता है। मैं क्या पहली गल तो मेरे ते धी जी ना पूरी तुत्ते की पूछ है। मैं है पर मैं क्या जे तेन वधिया लगती है तू पाला उत्थे कुटिया आउंदे कई सज्जन आ कच्चा जिहा बेड़ा लिपिया देख के बड़ा वधिया लगता। मैं तू लिप ला, अग तो तेरे लगी है कि वो डालियन पत्थर लैके लावा दिखावा लोगों को। असी इत्थे खड़े हाँ गुरुद्वारिया बह के, असी गोष्ठियां बहुत सोहनिया करते हैं। वैसे भी कोई रब घर की गल जी करनी हो, असी वक्ती ट्रीटमेंट बड़ा सोहना दें, रब थले ला लें। पर यार असी ना इट्टा सीमेंट आज फसे पे हैं, कपड़े कुपड़े च फसे पे हैं, आ रोटियां दाल चन च ही फसे पे हैं यार। निकलो मेरे भरा बन के ये चो ना, ना मेरे भरा लाइव चल रहा। सो ला रहे जीत बापू और हुण फिर उदों बोलेगा, हुण फिर उदों बोलेगा, ओ जदों धौणा ते चढ़ गए, ओ अखां खोल पंजाब सिया तेरे घर च लुटेरे वड़ गए, ओ अखां खोल पंजाब सिया तेरे घर च लुटेरे वड़ गए। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਧੀ ਤੇਰੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੋਂ ਡਰਦੀ, ਇਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਜਾਬੀ ਛਿੱਟਾ ਪਾ ਗਏ। ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਨਿਆਣੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ।